loves, welcome back to the channel. Thank you so much for watching. My name is Sanjana and welcome back to another fun makeup challenge video. तो आज का makeup challenge क्या है आप लोगों ने thumbnail पे देख लिया होगा. तो आज मैं करने वाली हूँ LED makeup challenge और मैं inspired होकर कर रही हूँ Nikki Tutorials and James Charles से. उन्होंने ये वाला challenge ना एक साल पहले किया था और ज़्यादा मैं inspired हुई हूँ Nikki Tutorials से क्योंकि मैं उनका एक भी video miss नहीं करती और मैंने बस ये वाला video miss कर दिया था. ये वाला makeup उन्होंने किया है LED light में जो कि बहुत ही fun और challenging video है क्योंकि एलईडी लाइट में ना आपको कोई कलर दिखा नहीं देता है, स्पेशली आई शेडो. जब मैंने वो वीडियो देखा ना मुझे बहुत ज्यादा मजा आया और मैंने सोच लिया कि मैं जरूर करूंगी क्योंकि मेरे पास भी एक एलईडी लाइट है, आरजीबी एलईडी लाइट. सो दिस इज माई आरजीबी एलईडी लाइट और इसके साथ एक रिमोट आता है, आप इसको अमेजोन से परचेज कर सकते हो. आई एम रियली एक्साइटेड. अगर आप भी एक्साइटेड हो गाइस तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड अपना कमेंट देना मत भूलेगा. तो विदाउट मच फर्दर बकबक लेट्स हॉप इनटू द चैलेंज. तो चलिए करते हैं लिपा पॉडी करना. तो फर्स्ट आप देख सकते हो मेरा फेस बहुत ही रेड रेड दिख रहा है. तो फर्स्ट मैं अपने आईब्रोज को फिल करूंगी और पैक का आईब्रो पोमेड यूज कर रही हूँ. और सबसे पहले अपने आईब्रोज को अच्छे तरीके से कंघी कर लूंगी. देन थोड़ा सा हमारा ये पोमेड लेके अपने आईब्रोज को मैं लाइन करूंगी. और गाइस मैं बता दूं बहुत ही ज्यादा यू नो डिफिकल्ट होता है ऐसे रेड लाइट एलईडी लाइट में फिल करना आईब्रोज. अब देख सकते हो मुझे बहुत टाइम लग गया करने में. अब देख सकते हो दिखाई भी नहीं दे रहा था मुझे और थोड़ा सा क्वालिटी आपको अलग लग रहा होगा क्योंकि मैं मोबाइल में शूट कर रही थी क्योंकि कैमरा में उतना अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने अपना फ्रंट कैमरा यूज किया. और अभी मैं प्राइमर लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का, अच्छे से ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ. और मुझे ना बहुत ही अजीब ही लग रहा था कि मैं कौन से एक हॉरर सेटअप में जाके बैठी हूँ. तो अभी मैं अपने बालों को टाइप कर ली क्योंकि सामने बहुत आ रहा था, प्रॉब्लम हुआ था. तो फाउंडेशन लगा रही हूँ मैं अच्छे से और फिंगर टिप के हेल्प से अच्छे से अप्लाई करूंगी. देन मेरे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, ये मशरूम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड करूंगी. और मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कहाँ लग रहा था कहाँ नहीं. मुझे जहाँ दिख रहा था मैं वही फाउंडेशन लगा रही थी और मुझे फाउंडेशन लगाने में गाइस लेट मी टेल यू मुझे 15 मिनट लग गया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं अच्छे से नहीं लगा होगा. और अच्छे से मैं अपने फोरहेड पे जहाँ मुझे लगाना चाहिए से लगा रही थी. और आप देख सकते हो पूरा रेड रेड लग रहा था. अंधेरे में बैठ के मेकअप करना लाइक पागलपन थी यार. सेटिंग पाउडर ले रही हूँ अच्छे से फेस को सेट करने के लिए और अच्छे से अपने फेस को मैं सेट कर लूंगी. और सेट करने के बाद मुझे लगा कि ठीक ठाक ही लग गया होगा फाउंडेशन और देखते हैं क्या होता है, देखिएगा बाद में रिवील करूंगी फेस. तो उसके बाद बारी आती है सबसे टफ काम की जो है आई शेडो. और आप देख सकते हो ये बहुत ही कलरफुल पैलेट है. आप देख सकते हो रेड लाइट में कुछ भी नहीं दिखता है, लाइक नथिंग, सेम कलर. और इसमें शिमर एंड मैट दोनों शेड है तो मैं ये वाला शेड चूज कर रही हूँ. मुझे पता भी नहीं कि वो कौन सा शेड है. अपने क्रीज पे अप्लाई करूंगी, दोनों ही आईज के क्रीज पे अप्लाई करूंगी अच्छे से. और ब्लेंडिंग करना भी ऐसे हवा में जैसे नहीं करते हैं कि हाँ कर रहे हैं कुछ तो हो रहा है. उसके बाद नेक्स्ट में निक्स का पैलेट लूंगी. इसमें से मैं ये सबसे लास्ट में जो ये जो कलर है ना उसको ही चूज करूंगी. देखते हैं कौन सा कलर है. उसके ऊपर मैंने जो शेड अप्लाई किया था उसके ऊपर मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. और गाइस मैं अंधेरे में यानी कि रेड लाइट में एक चैलेंज लेने का सोचा. मैं कट क्रीज ड्रॉ कर रही थी, लाइक मैं लिटरली कट क्रीज ड्रॉ कर रही थी कंसीलर से. और अच्छे से ठीक ठाक हो गया जैसे मुझे दिखाई दे रहा था मैं कर रही थी. और अच्छे से कट क्रीज ड्रॉ करने के बाद ये वाला मुझे चमकीला चमकीला दिख रहा था, पता नहीं कौन सा शेड है. उसको मैं अच्छे से मैंने अप्लाई किया अपने कट क्रीज के ऊपर. तो हमारा आई मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था. तो अभी मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ, अपने वाटरलाइन एंड टाइडलाइन भी कर रही हूँ दोनों ही. और उसके बाद मैं फेस को पाउडर कंटूर करूंगी क्योंकि क्रीम कंटूर करने के लिए बहुत ही टाइम लग जाता है. तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है ना पाउडर कंटूर करने में. तो मुझे फेस को अच्छे से अपने फेस को मैंने कंटूर कर लिया है और नोज को भी कंटूर कर रही हूँ. गाइस ये जो देख रहे हो ना मैंने ब्लश पकड़ा हुआ है एंड हाइलाइटर भी अप्लाई किया था कंटूर करने के बाद. वो वाला फुटेज पता नहीं कहाँ गायब हो गया. और जो शेड मैंने अपने क्रीज पे लगाया था ना वो शेड पिक करके मैं अपने लोअर लैश लाइन पे लगा रही हूँ टू कंप्लीट माय आई लुक. पता नहीं यार कहाँ गायब हो गया वो फुटेज यार. उसके बाद ये वाला हाइलाइटर जो मैं इनर कॉर्नर है ना मैंने ब्राउन बोन को हाइलाइट करने के लिए यूज किया है ना, ये ही हाइलाइटर मैंने फेस पे भी यूज किया था, वो भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया. अभी मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, अपने लैशेस को अच्छे से कोट कर रही हूँ. और मुझे लैशेस लगाना
भी पड़ेगा, मुझे पता है, जो कि बहुत टफ होने वाला है। बिना लैशेस के तो यार मजा नहीं आता आई लुक, तो अभी लगाएंगे हमारा ये फर्स्ट लैशेस। और ऑफ कैमरा मैंने ग्लू लगाया, देन अच्छे से चिपका लिया। अभी बारी आती है लिपस्टिक की, एंड देख सकते हो मैंने बहुत ही लाइटर शेड चूज किया है जो दिखाई तक नहीं दे रहा है ये एलईडी लाइट में। तो मैंने बस अंदाजे से ही लगा लिया अपने लिप्स पे, और देखते हैं कि कैसा दिखेगा आगे। लिपस्टिक के बाद क्या लगाते हैं हम लोग, मेकअप सेटिंग्स पे, क्योंकि लिपस्टिक लास्ट प्रोडक्ट होता है, उसके बाद हम लोग फेस को यू नो मेकअप को सेट करते हैं बाय यूजिंग सेटिंग स्प्रे। तो मेरे पास है यू कैन बी का ये सेटिंग स्प्रे, और अच्छे से पहले मैं शेक कर लूंगी, देन अपने फेस में अप्लाई करूंगी। अभी चलिए रिवील करते हैं मेकअप। सो गाइज, अभी मैं रिवील करने वाली हूँ मैं कैसी लग रही हूँ, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी माई सेल्फ कि मैंने कैसा मेकअप किया है। एंड मैं थोड़ा डर भी रही हूँ कि आप लोग मुझे देख के डर ना जाओ। और मुझे एलईडी लाइट में तो ठीक ठाक ही लग रहा था, बट लाइट में अभी असलियत पता चलेगा कि कैसा लग रहा है फुल मेकअप। सो लेट्स रिवील द फेस। सो दिस इज माई मेकअप, लेट मी सी माई सेल्फ। सो ओ माई गॉड, like look at my face, everything is neutral, ज़्यादा कोई मैंने deep color use नहीं किया है, and I love the blush। और let me show you the blush guys, ये first time use कर रही हूँ, जब से मैंने purchase किया था ना, मैं कभी भी use नहीं की हूँ। तो मैंने use किया था ये Wet n Wild का color icon blush palette, और उसमें से मैंने choose किया था this sunset rose shade, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, सो ब्यूटीफुल, एंड बहुत ही नेचुरल लुक दे रहा है। एंड इसमें शिमर पार्टिकल्स है जो थोड़ा सा ग्लोई भी है, बट एट द सेम टाइम बहुत ही न्यूट्रल है आपके फेस में। आई जस्ट लव दिस ब्लश यार, मैंने अब रियलाइज किया कि दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल ब्लश। सो आप भी ट्राई कर सकते हो। ब्राउज भी मैंने बहुत अच्छा ही किया है, ठीक ठाक ही कर लिया है, बस थोड़ा सा यहाँ पे नो इट्स ओके। देख सकते हो आई शेडो भी मैंने कौन सा चूज़ किया था, और ये आई शेडो भी मैं बहुत दिनों के बाद यूज़ कर रही हूँ, जब से मैंने परचेज किया है। एक बार यूज़ किया था मैंने, चूज़ किया था ये ब्राउन शेड फॉर माई क्रीज, तो ब्लेंडिंग देख सकते हो। तो मैंने और एक कलर चूज़ किया था, और एक आई शेडो पैलेट जो मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ, बट मुझे बहुत प्यारा लगता है आई शेडो पैलेट कलर बहुत है। तो मैं ये श्रेया जैन एक ट्यूटोरियल में यूज़ की थी, तो इसलिए मैंने परचेज किया था, बट यूज़ मैंने कभी नहीं करा। सो मैंने अपने क्रीज के ऊपर लगाने के लिए ये येलो शेड चूज़ किया था, लाइक लुक एट माई क्रीज, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। मैंने ये वाला शेड चूज़ किया था शिमर शेड, ये येलो वाला, जो काफ़ी अच्छा है, पिगमेंटेशन भी अच्छा है, बट यहाँ पे थोड़ा देख सकती हूँ, यहाँ पे कॉर्नर पे थोड़ा सा मुझे लगाना चाहिए था, जो मुझे दिख ही नहीं रहा था। मैं बस जो मुझे लग रहा था कि यहाँ लगाना चाहिए वहाँ पे लगा रही थी, बट यहाँ पे थोड़ा सा और लगाना चाहिए था मुझे, बट चलेगा। मैंने तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड इतनी बुरी भी नहीं लग रही हूँ गाइस। एंड लिपस्टिक अब देख सकते हो, मैंने यहाँ थोड़ा सा ओवरलाइन कर लिया है। तो गाइस मुझे ठीक ठाक ही लगा, मेकअप इतना ख़राब ही नहीं लग रहा, बट आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप कितना देना चाहोगे 10 में से मेरा मेकअप लुक को। एंड यार बहुत ही मज़ा आया मुझे करने में, आपको भी देख के मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड अपना कमेंट देना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन प्रेस कर देना, ताकि आप मेरे फ्यूचर नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई विल बी बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, एंड रिमेंबर आई लव यू गाइस सो मच। बाय।